वेलकम बैक दोस्तों। तो आज है हमारे पास वीवो T1 5G। तो आप सोच रहे मेरे पास फ़ोन कैसा आया, तो मैं गांव आया हूँ तो इधर में मेरे रिलेटिव के पास ये फ़ोन था, तो उन्होंने मेरे को दिया रिव्यू करने के लिए। तो पहले अनबॉक्सिंग कर देखते हैं। तो बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें पहले तो यूज़र मैनुअल गाइड मिलेगा विद TPU केस, ट्रांसपेरेंट वाला, टाइप सी चार्जर और इनबॉक्स एक 18 वाट वाला फास्ट चार्जर। 18 वाट से चार्जर तो मिल रहा है बॉक्स में कम से कम। तो पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाएगा और राइट साइड में से वॉल्यूम बटन और पावर बटन में ही फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। 6.58 इंच फुल एचडी प्लस IPS 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। कलर्स इसके बहुत अच्छे आते हैं, विंग एंगल्स भी इसके बहुत बेहतरीन है। तो इसमें आपको 6GB और 128GB का फेस वेरियंट आपको मिलेगा, जिसमें आप 2GB का वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं अलग से, जिसमें से अराउंड 20GB फ्री रहता है। तो मेरे रिलेटिव का फ़ोन है तो उन्होंने कुछ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल किया, तो मैं ये रिसर्च करके तो आपको दिखा नहीं सकता। तो अराउंड 20GB आप करके रखिए यूज़ रहता है पहले से। UI की बात करें तो ये फंटा चॉइस 12 विथ लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 कैसे ये रन कर रहा है, और अपडेट के मामले में भी वीवो वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस मैंने जैसे निकाला तो एक न्यू अपडेट आ गया था इसमें, तो अभी फ़िलहाल मैं किसी को टीपेच के साथ ये रन कर रहा है। तो मैंने जितना देखा है वीवो के जो पुराने फ़ोन्स में भी, उनमें भी अगर फंटच और इसका अपडेट ना भी आए तो लोग एंड्रॉयड का अपडेट दे देते हैं और सिक्योरिटी पैच का भी। तो डिस्प्ले का बात करते ये 120 हर्ट्ज़ के साथ आता है। तो अभी स्मार्ट स्विचेस में रहता है जो आप ऐप के हिसाब से यूजर्स पैटर्न के साथ चेंज करता रहता है। इसमें रखिएगा, बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, 5G क्रीड एग्रीगेशन और 4 परफॉर्मेंस पार्ट की बात करें तो ये स्नैपड्रैगन 695 5G इस वाले चिप के साथ ये आता है। ये इसका अंतु स्कोर और किक पेंच वाला स्कोर और इसका मेमोरी स्कोर। कैमरा में बैक में 50+2+2 और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी। कैमरा UI की बात करें तो टिपिकल फ्रंट टच ओएस वाला। वीवो के खुद के कुछ फीचर्स है इसमें, स्टिकर्स, AI स्टिकर्स वगैरह। बाकी फोटो डिसेंट से आते हैं, अच्छा था, स्लोमो है। बस इसका ये वीडियो के मामले में 1080p 60fps में रिकॉर्ड कर सकता है। बस इसका जो प्रोसेसर ही 4K में 4K सपोर्ट नहीं करता है, तो इसी वजह से इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं होता है। बाकी इसमें प्रो मोड वगैरह सब कुछ है जितना आपके कैमरा ऐप में होना चाहिए। बाकी लो लाइट में भी इसका कैमरा का क्वालिटी अच्छा आता है जितना मैंने यूज़ किया है। तो बस फोटो के सैंपल्स नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा सकता, पर इतना मैं कह सकता हूँ हाँ बढ़िया है। बाकी ओवरव्यू फ़ोन बहुत अच्छा है। बात करें बैटरी रिक्वायरमेंट की, बैटरी में इसमें 5000 mAh का बैटरी है, ऊपर से 18 वोल्ट का चार्जिंग, तो अराउंड 2 घंटे के ऊपर ही लगता है इसको फुल चार्ज होने में। तो अभी बात करते हैं गेमिंग की, तो इसमें BGMI में ग्राफिक्स सेटिंग की बात करते तो स्मूथ में अल्ट्रा, स्टैंडर्ड में हाई और HD में हाई, बस उसके ऊपर ही सेटिंग्स और सब नहीं करता है। तो मैं स्मूथ में अल्ट्रा में एक गेम प्ले आपको दिखाता हूँ। तो गेम प्ले बहुत स्मूथ है BGMI में, स्मूथ में मैं अल्ट्रा में खेल रहा हूँ इधर में, आप देख सकते हैं गेम प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ है, अच्छा है, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहे हैं। पर मैं BGMI खेलता नहीं हूँ इतना, तो चिकन डिनर खाने का मन नहीं है। मल्टीमीडिया की बात करते हैं, इसमें सिंगल स्पीकर है बॉटम फायरिंग और डिस्प्ले तो अच्छा है ही। तो इसमें थोड़ा मैं इसको सुना देता हूँ उसका साउंड थोड़ा। क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक ही है, बेस वगैरह ठीक ठाक है सब कुछ मिक्स। तो ऑलराउंड की बात करें तो ठीक ठाक ही फ़ोन है जो आपको ऑफलाइन मिल, ऑल अराउंड बात करें तो ये ठीक ठाक फ़ोन है जो आपको ऑफलाइन मिल रहा है। तो इसका प्राइसिंग का बात करें तो ये इसका प्राइसिंग है 17,000 rupees बेस वेरियंट का। आपका क्या थॉट है इस फ़ोन के बारे में, क्या फीडबैक है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आई होप कि आपको पसंद आया वो। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।